बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, जो चैप्टर नंबर 12 है। टोटल फिज़िक्स के अंदर जो हमारे पास चैप्टर हैं वो चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक है, जिसमें आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम बाद में दिया गया, लेकिन बहुत पहले अप्रॉक्सीमेटली 2500 ईयर्स अगो, यू कैन से 2500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, उस वक्त से यूनान के अंदर ये बात क्लियर थी कि अगर दो चीज़ों को आपस में रब किया जाए तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं। ये बात भी पहले से मालूम थी कि अगर दो चीज़ों को हम आपस में रब करते हैं तो कुछ चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो किसी दूसरी रब की हुई चीज़ को रिपेल करना शुरू कर देती हैं, उनके मुखालफ कुवत की तरफ चली जाती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम बहुत बाद में दिया गया। एज पर डिफाइंड बाई नेम, अगर हम ये देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो अल्फाज का मजमुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन रेस्ट और स्टेशनरी। तो यहाँ तक हमें ये समझ आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से मुराद है कोई ऐसे चार्जेस जो रेस्ट कंडीशन में है, स्टेशनरी कंडीशन में है, या सम टाइम एक और लफ्ज़ बोला जाता है चार्जेस एम्बेडेड पोजीशन में, यानी जहाँ पे जो चीज़ फिक्स कर दी गई है वो वहाँ से मूव नहीं कर सकता। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो चीज़ डिस्कस करनी है वो चार्जेस डिस्कस करने हैं, हमने वो मटेरियल डिस्कस करने हैं जिसके ऊपर चार्ज स्टे कर जाता है, जिसके ऊपर चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं करता। तो अगर मटेरियल की हम बात करें तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के मटेरियल हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर इन जनरल पर्पस। सो कंडक्टर के अंदर चार्जेस, वो चाहे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहेगा। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर लाइक रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, तो इन तमाम चीजों के ऊपर चार्जेस जहां है जैसे है वो वहीं पोजीशन पर फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये उस मटेरियल की नेचर है। वो चार्जेस को एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर रखता है, इवन एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफर नहीं होने देता। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को प्रॉपरली डिफाइन करें तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द चार्जेस एट रेस्ट। ये साइंस की वो ब्रांच है जो चार्जेस रेस्ट पोजीशन में हों ये उनको डील करता है। यहाँ हमारे पास एक नया लफ्ज आ गया, चार्ज। तो अब हमने ये देखना है कि बुनियादी तौर पे ये वर्ड चार्ज क्या चीज है। चार्ज को समझने से पहले हमें एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपने जहन में लाना होगा। एटम दो पार्ट्स के ऊपर है, न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दूसरा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये न्यूक्लियस के बाहर आउटसाइड एनर्जी लेवल्स के ऊपर मूव करते रहते हैं। सो अगर हम डिफाइन करें चार्जेस को, तो गौर कीजिएगा एटम के स्ट्रक्चर में हमारे पास प्रोटॉन्स को हम अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बाउंड होते हैं। अलबत्ता इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर थोड़ा लूजली बाउंड, कंपेरेटिव टू प्रोटॉन थोड़ा लूजली बाउंड और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर होते हैं। सो किसी भी तरह से इनको एनर्जी प्रोवाइड करके हम इलेक्ट्रॉन्स को एटम से आउट करवा सकते हैं। तो अगर हम डिफाइन करें चार्ज को, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज एक्सेस आर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की कम या इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने को हम चार्ज कहते हैं। नेचुरल फिनोमिना में अगर देखा जाए तो नॉर्मल रूटीन के अंदर किसी भी एटम में अल्लाह सुब्हाना ताला की जात ने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को आपस में बराबर रखा हुआ है। अगर किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एनी टेक्निक हम निकाल देते हैं, तो उसमें कुदरती तौर पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, और हम आम जुबान के अंदर कहते हैं कि दिस एलिमेंट, ये पार्टिकल, ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उसमें से एक नेगेटिव कम हो गया। प्रोटॉन हम नहीं छेड़ रहे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के कम होने से कुदरती तौर पे एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। इसी तरह अगर हम किसी एटम के अंदर किसी एलिमेंट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दें,
तो उसका जो नेचुरल बैलेंस है वो आउट हो जाएगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. सो समराइज करें कि हमारे पास चार्ज का मतलब क्या है, इट इज एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो नेक्स्ट वन कि इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है. इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है. नॉर्मल रूटीन में इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड नेगेटिव और प्रोटॉन को हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव. विद रिस्पेक्ट टू मास, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 2000 गुना भारी होता है. लेकिन अगर हम इनकी मिकदार देखें चार्ज के हवाले से, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज आपस में इक्वल होते हैं. विद रिस्पेक्ट टू मास उनके साइज का फर्क है, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज वो दोनों एक जैसे हैं. चुनाचे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम कूलम यूनिट के अंदर मेजर करेंगे. एट द एंड ऑफ लेक्चर हम देखेंगे एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है. द नेक्स्ट वन कि अगर फर्ज कीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, सिमिलर चार्ज या ऑपोजिट चार्ज, तो अगर हम इनको एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो ऐसी सूरत में क्या फर्क पड़ेगा. डायग्राम के ऊपर देखिए लाइक चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन ऑपोजिट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. क्लासिकल फिजिक्स के अंदर चूंकि हमारे पास एलिमेंट जब भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है. न्यूटन फर्स्ट लॉ में डिफाइन करता है कि जब तक कोई फोर्स नहीं है ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, लेकिन जब कोई फोर्स लग रही है तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करेगा. न्यूटन का थर्ड लॉ में ये कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट की फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट की ऑपोजिट फोर्स या सिमिलर फोर्स के इक्विवेलेंट होगी. अब ये जो फोर्स है जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे लगा रहा है, ये बात कूलम्स लॉ के आने से पहले मालूम थी. क्लासिकल फिजिक्स में भी इसका पता था, क्लासिकल फिजिक्स से पहले भी एंशिएंट हिस्ट्री में इसका पता था. दो चीजों को रब करो तो वो एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन की फोर्स लगाना शुरू कर देती है. इंटरेक्शन मीन अट्रैक्शन और रिपल्शन. फिजिक्स के अंदर हम अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए एक कॉमन वर्ड को यूज करते हैं नोन एज इंटरेक्शन. चुनाचे अगर ये चीज पहले से पता थी तो फिर कूलम्स ने 1875 में 1875 में ऐसा नया काम क्या किया. बुनियादी तौर पे कूलम्स लॉ ने जो एक फॉर्मूला जो कूलम्स लॉ के नाम से हम जानते हैं डी ऑगस्टा कूलम ने जो डिफाइन किया, उसने एक क्वांटिटेटिव अप्रोच प्रोवाइड की. क्वांटिटेटिव अप्रोच से मुराद ये है कि हमारे पास वो जो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कितने न्यूटन के इक्विवेलेंट है, हम कितना चार्ज रखें कि वो दूसरे इतनी मिकदार के चार्ज को, लेट्स सपोज वन इज क्यू वन सेकेंड इज क्यू टू, तो चार्ज वन चार्ज टू पे कितने न्यूटन की फोर्स लगा रहा है. अगर हम चार्ज को ज्यादा कर देते हैं तो ऐसी सूरत में फोर्स की मिकदार कितनी ज्यादा हो जाएगी. अगर चार्ज को हम फासले पे कर देते हैं ऐसी सूरत में चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा, सॉरी फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा. अगर चार्जेस के दरमियान कोई मटीरियल इंसर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑयल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कोई और इंसुलेटर, तो क्या उनकी फोर्स उतनी रहेगी या उसकी फोर्स में कमी बेशी हो जाएगी. चुनाचे कूलम्स लॉ एक क्वांटिटेटिव अप्रोच देता है, मिकदार के हवाले से डिस्कशन करता है कि अगर दो या दो से ज्यादा चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करें, चाहे वो सिमिलर है चाहे ऑपोजिट है या उनका मिक्सचर है, तो ऐसी सूरत में उनके दरमियान एक फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी होगी. सो देखते हैं हम कि कूलम्स लॉ बेसिकली क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं हमारे पास दो चार्जेस हैं, जैसा कि स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा है, एक ब्लू में है एक रेड में है. हम कहते हैं जी पहला चार्ज दैट इज क्यू वन, दूसरा चार्ज दैट इज क्यू टू, और दोनों को हम थोड़े से आर डिस्टेंस से अलग अलग कर देते हैं. अब डी ऑगस्टा कूलम ने जब 1875 में ये तमाम चीजों को स्टडी किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया और उसने फाइंड आउट किया कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस की मल्टीप्लीकेशन के. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट उसने देखा कि ये दोनों ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ये डिस्टेंस स्क्वायर के ऑपोजिट यानी उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल के ऊपर है. जैसे जैसे फासला बढ़ाएंगे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन
कम होती जाएगी। इसको आम फिजिक्स के अंदर हम कहते हैं इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। चुनाचे ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन 1/r² को फॉलो करती है। तो अगर फर्ज कीजिए कि हम इस को कंप्लीट दोनों फॉर्मूलों को दोनों लाइंस को इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास फाइनलाइज अप्रोच इस पूरी सिचुएशन की क्या बनेगी। हेयर ऑन द स्क्रीन फोर्स इज इक्वल के चार्ज वन चार्ज टू ओवर आर स्क्वायर। ये उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है। हमने जस्ट के की वैल्यू पुट करनी है जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। हमने चार्ज वन की मिकदार पुट करनी है जो कि कूलम्स में मेजर होगा। चार्ज टू भी कूलम्स में मेजर होगा, बटे में डिस्टेंस स्क्वायर है और डिस्टेंस हम मीटर्स के अंदर मेजर करेंगे। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। और अगर हमने ये देखना है कि वो अट्रैक्शन है या वो रिपल्शन है तो उस सूरत में हमारे पास उसकी वेक्टर फॉर्म आएगी जिसमें सिर्फ एक चीज का इजाफा है, यूनिट वेक्टर आर। नाउ के इज नोन एज कूलम्स कांस्टेंट और मैथमेटिकल रिलेशन में के की वैल्यू आएगी 1/4πε₀ या मैग्नीट्यूड वाइज इट इज 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पर रिलेशन के अंदर हमारे पास एक नई चीज है एप्सिलॉन नॉट। तो के की वैल्यू में एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटे? एप्सिलॉन नॉट बुनियादी तौर पे कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मीन कि एक फ्री स्पेस या हवा जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या दोनों चार्जेस से किस तरह बिहेव करती है। और एप्सिलॉन नॉट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू कंसिडर की जाती है दैट इज 8.85×10⁻¹² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा के की वैल्यू और एप्सिलॉन की एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन केस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कूलम फोर्स इज बेसिकली इंट्रैक्शन फोर्स। इंट्रैक्शन फोर्स मीन कि हमारे पास फोर्स वन और फोर्स टू जिस तरह से मूव कर रहे हैं, जितनी फोर्स वन टू पे लगाएगा उतनी फोर्स चार्ज टू चार्ज वन पे लगाएगा जैसा कि हमें स्क्रीन के ऊपर शो हो। सो द नेक्स्ट वन अगर हम देखें दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट कि हम चार्ज वन और चार्ज टू क्यू वन और क्यू टू किस तरह से बुनियादी तौर पर मेजर करते हैं। उसके लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला चाहिए। सपोज कीजिए आपके पास है चार्ज वन क्यू वन, आपके पास है चार्ज टू क्यू टू, दोनों आर डिस्टेंस अपार्ट के ऊपर हैं। हम इनको स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं। हम कंसिडर करते हैं चार्ज वन और चार्ज टू दोनों आइडेंटिकल हैं। वट एवर द चार्ज डज नॉट मैटर, हम सिर्फ ये कंसिडर करते हैं दोनों आइडेंटिकल हैं। वो वन कूलम हो सकते हैं, वो टू कूलम हो सकते हैं, दोनों पे दस दस इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। हम कंसिडर करते हैं दो आइडेंटिकल चार्जेस और उनको स्टैंडर्ड वन मीटर डिस्टेंस से हम अलग कर देते हैं। सो अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस जो एक मीटर फासले पे हों और उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन 9×10⁻¹ न्यूटन के इक्विवेलेंट हो तो कंसिडर किया जाएगा चार्ज वन और चार्ज टू दोनों वन कूलम के इक्विवेलेंट हैं। सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ए कूलम फॉर इफ टू आइडेंटिकल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वन मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 9×10⁻¹ न्यूटन देन ईच चार्ज इज कंसिडर इक्वल टू वन कूलम। ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक कूलम चार्ज काफी बड़ा होता है। नॉर्मल रूटीन में अगर हम एक कूलम चार्ज पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिने तो ये 6.25×10⁻¹⁸ प्रोटॉन या 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट होते हैं। सो इस लिहाज से एक कूलम चार्ज नॉर्मल रूटीन से काफी बड़ा होता है। इसीलिए आम रूटीन में न्यूमेरिकल्स के अंदर या रियल टाइम में हम मिली कूलम या माइक्रो कूलम को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टेबल है जिसमें तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन उनका चार्ज और मास गिवन है और ये वैल्यूज जो है वो आपको एमसीक्यूज में काफी हेल्प करेंगी। अगर हम इसको समराइज करें एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर कि हमने इस पूरे लेक्चर में क्या डिस्कस किया। जेंटलमैन हमने स्टार्ट में देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो पॉइंट्स का मजमुआ है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक चार्ज एट रेस्ट। सेकंड हमने ये देखा हमारे लिए नया लफ्ज था चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज की कितनी टाइप्स हैं और चार्ज की मैग्नीट्यूड किन यूनिट्स में मेजर की जाती है। देन कूलम्स लॉ जो क्वांटिटेटिव अप्रोच थी उस क्वांटिटेटिव अप्रोच को किस तरह से एडजस्ट किया गया, उसका मैथमेटिकल रिलेशन मैग्नीट्यूड वाइज किस तरह से है, उसके मैथमेटिकल रिलेशन में मुख्तलिफ फैक्टर कौन से काउंट होते हैं, हमने ये तमाम चीजें डिस्कस की।
और लास्ट में हमने ये देखा कि एक कूलम चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से मेजर की जाती है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां तक ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। सो जेंटलमैन, इसको स्टडी कीजिए अपनी बुक्स के ऊपर से या वट एवर जो नोट्स आपको अवेलेबल हैं, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह।